Hello everyone. Good afternoon. Good afternoon sir. कैसे हो तुम लोग? चलो तो अगेन कहानी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। गैब्रियल देख रहे हो ना, क्या ये गैब्रियल? मैं इसे प्यार से गबरू बोलता हूँ। गबरू, अरे गब्बर। यस और नो? गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। देखो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ करके लिया है थोड़ा टाइम बचाने के लिए। अब इसमें क्या होगा यहाँ पे, अभी कहानी इसकी अधूरी है, ध्यान देना क्या होगा यहाँ पे। यहाँ पे ये एक बेंजीन रिंग लूंगा मैं। इस बेंजीन रिंग के अंदर यहाँ पे एक सी डबल बॉन्ड और कार्बोनिल ग्रुप अटैच करूंगा और एक यहाँ पे ही आजू बाजू यहाँ पे भी एक सी और एक यहाँ पे भी सी और साथ में यहाँ पे एक अमाइन ऐड करो NH। ऐसा देखो ये स्ट्रक्चर बने। यहाँ पे भी मैं क्या कर सकता हूँ NH, यही चीज है। इसको बोलते हैं थैलामाइड। क्या बोलते हैं? थैलामाइड। पीएच साइलेंट। क्लियर है? समझ में आया कैसे ड्रॉ करना है? एक बेंजीन रिंग ले लो के बगल में CO और CO चिपका दो और साथ में NH लगा दो, तो ये बन गया थैलामाइड। अब इस थैलामाइड के अंदर हम इथेनॉलिक अल्कोहलिक KOH। देखो ये रिएक्शन में जाता करके हर जगह पे हमको एक चीज कॉमन मिल रहा है, आया ना राइट? तो यहाँ पे KOH लिया और ये इथेनॉलिक है, मैं लिख देता हूँ अल्कोहलिक या इथेनॉलिक, दोनों बात एक ही। तो इसमें भी क्या होगा, OH निकलेगा बाहर। क्या निकलेगा बाहर? OH, आया ना? और क्या होगा? प्लस OH नेगेटिव। और यहाँ पे OH की चाहत क्या होगी? H प्लस। OH की चाहत क्या होती है? H। और ये N क्या होगा? नेगेटिव। तो ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव को मिला दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा? वाटर बाहर, आया ना? और इस H के जगह पे कौन आके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा? N वही रहेगा और N के बगल में क्या आ जाएगा? K आके यहाँ पे चिपक जाएगा। N नेगेटिव, K पॉजिटिव एंड दिस इज कॉल्ड पोटेशियम थैलामाइड सॉल्ट। क्या बन जाएगा? पोटेशियम थैलामाइड सॉल्ट। समझ रहे हो? आया ना? तो यहाँ पे ये रिएक्शन सभी को समझ में आया, पहला स्टेप। मैंने इस थैलामाइड, तुम्हें याद रखना है बेंजीन रिंग CO CO और NH राइट, ये रिंग बन गया। इसमें हम पहले डालेंगे KOH। KOH डालेंगे तो ये HOH मिलके वाटर बाहर और K आके यहाँ पे N के जगह पे चिपक जाएगा। ये हो गया पहला स्टेप। तुम्हारे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में पेज नंबर 285 और 286 पे देखने को मिलेगा। 85 स्टेटमेंट है वहाँ पे, हेडिंग है और 86 पे। ये पहला स्टेप उन्होंने बना दिया। सेकंड स्टेप के लिए वापस से यही लेंगे यहाँ पे और फिर वो आगे का स्टेप सेकंड, मतलब तोड़ तोड़ के किया है। मैं यहाँ पे कंटिन्यू फॉर्म में जा रहा हूँ, ये भी लिख दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इस सॉल्ट के अंदर हम डालेंगे यहाँ पे RX। क्या ऐड करेंगे? RX, RX, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये रिएक्शन किसको प्रेफर करता है? SN2। किसको? SN2। और SN2 तो पता ही है सभी को, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री को तो फेवर करता ही नहीं है, आया ना? तो भाई SN2 सबसे ज्यादा आगे किसको फेवर करता है? 1 डिग्री, 2 डिग्री कंपेयर टू व्हाट? 3 डिग्री। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन की बात करूं, अगर मैं इस RX के जगह पे मिथाइल क्लोराइड लिया चलेगा, इथाइल ब्रोमाइड लिया ये भी चलेगा इसके जगह, तो ये राइट 1 डिग्री है, 0 डिग्री, 0 डिग्री, आया ना? तो ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, आसानी से टूट जाएगा। SN2 को फेवर करेगा ना ये मिथाइल इथाइल, याद है ना? SN1 SN2 है ना, तो SN1 में 3 डिग्री 2 डिग्री और SN2 में 1, 2, 3 अल्काइल हैलाइड, आया ना? और अल्काइल हैलाइड में भी आयोडाइड ब्रोमाइड एंड व्हाट? क्लोराइड। अल्काइल आई, अल्काइल ब्रोमाइड, है ना? ये सब सेम वही कहानी।
तो यहाँ पे मैं अगर सेकेंडरी ले लू, यहाँ पे भी क्या हो, ये सेकेंडरी हो गया 2 डिग्री, ये भी वैलिड है, ये भी ये रिएक्शन देगा। बट अगर मैंने यहाँ पे बट लिख देता हूं, अगर मैंने यहाँ पे कोई हेलोरिन लिया X, टर्ड्यूटाइल लिया, टर्ड्यूटाइल ब्रोमाइड, क्या ये SN2 को फेवर करेगा, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, ये 3 डिग्री है ना, आया ना, ये क्या है 3 डिग्री, ये कार्बन के रिस्पेक्ट में डीआर, डीआर के रिस्पेक्ट में कार्बन, और कार्बन कितने कार्बन से 1, 2, 3, ये 3 डिग्री SN2 को तो फेवर करेगा। अगर मैं यहाँ पे अल्काइल हैलाइड की जगह बीएल आया तो ये रिएक्शन नहीं देगा। अब गैब्रियल थैलामाइड से भी क्या बनेगा, ओनली ओनली प्राइमरी अमाइड, कैन बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। बट सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन कांट प्रिपेयर, सब MCQs में आ सकता, राइट। तो यहां पे देखो, ये टर्ड ड्यूटाइल है, ये नहीं चलेगा, ये कार्बन, ये क्या है SP2 है ना, ये भी नहीं चलेगा, ये तो SN1 SN2 दोनों नहीं देता, समझ रहे हो। तो कौन देगा, अल्काइल हैलाइड कैसे होने चाहिए, ऐसे 1 डिग्री है ना, 2 डिग्री, ये सब फेवर करेगा, तो ये SN2 देगा आसानी से, और यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा और ये रिएक्शन पॉसिबल। बट जहाँ पे 3 डिग्री लिया, हेलो और ही नहीं लिया, तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा। बट हाँ, इसके अंदर एक कंडीशन अप्लाई, कंडीशन याद करो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, अगर इसके ऑर्थो ऑर्थो पे और पैरा पे नाइट्रो ग्रुप लगा दिया तब ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, पॉसिबिलिटी है, समझ रहे हो, राइट। अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पॉसिबिलिटी कब होगी, अगर यहाँ पे मैं है ना इस रिंग के ऊपर एक्स है यहाँ पे, पर यहाँ पे NO2 लगा, यहाँ पे NO2 लगा और यहाँ पे NO2 दो या तीन है ना, पॉसिबिलिटी हो जाएगी, याद है। तो ये सब थोड़े एंट्रेंस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे, राइट, हम मॉड्यूल में प्रैक्टिस करेंगे इसके ऊपर। तो यहाँ पे अब इसकी कहानी आगे की बढ़ा रहा हूँ, तो ये x क्या है, नेगेटिव, r क्या है, पॉजिटिव, तो ये k पॉजिटिव x के साथ निकल जाएगा, तो r क्या हो जाए, kx। अगर ये मिथाइल क्लोराइड इधर रखा इसके जगह पे तो Cl रहेगा, तो वो Cl किसके साथ जाएगा, KCl, और इसके जगह पे क्या चिपक जाएगा, यहाँ पे r, r के जगह पे क्या आएगा, मिथाइल आएगा। तो ये जब kx जैसे ही बाहर होगा, देखो कैसे क्या होगा, यहाँ पे क्या रहेगा N, और N के साथ यहाँ पे क्या चिपक जाएगा, तो N के बगल में क्या आ जाएगा, अगर मिथाइल रहेगा तो वहां पे क्या आ जाएगा, R के जगह पे मिथाइल, अगर ये लिया तो इथाइल आ जाएगा और KBr बाहर हो जाएगा, है ना, ये K के साथ ये Br चला जाएगा, यहाँ पे ये Br K के साथ और वहां पे आइसोप्रोपाइल ये आ जाएगा, समझ रहे हो, R का मतलब ये, R का मतलब ये, R, R मतलब ये, ये आर है, समझ रहे हो ना, ये वो उस आर के जगह पे है, मिथाइल इथाइल आइसोप्रोपाइल, बट टर्ब्यूटाइल वहां पे नहीं आएगा, और ना तो ये आर लेना है, मतलब ये सॉरी बेंजीन, हेलो बेंजीन, हेलो आर, राइट, ये भी नहीं आएगा, ये बॉन्ड टूटेगा ही। और अगली कहानी में वापस से, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, क्लियर हुआ सभी को, आया। अब देखो पहले स्टेप में मैंने क्या लिया, थैलामाइड में एक्टिवस डाला अल्कोहलिक, तो OH और H मिलकर वाटर बार किए, इसके जगह पे सब्स्टिट्यूट हो, फिर यहाँ पे सॉल्ट बन गया थैलामाइड का, उसमें अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड यहाँ पे 2 डिग्री और 1 डिग्री को ही फेवर करेगा SN2 मैकेनिज्म, और 3 डिग्री टर्ड ब्यूटाइल है ना, और हेलोरिन का यहाँ पे रिएक्शन पॉसिबल नहीं, और यहाँ पे फिर जैसे ये रखेंगे तो ये K और H निकल गए, और ये R ग्रुप मतलब मिथाइल इथाइल यहाँ पे आके N के साथ चिपक जाएगा, और इसको हम बोलेंगे N अल्काइल, क्या बोलेंगे, N अल्काइल, ये रख कर दूं मैं, तो ये N अल्काइल
लिख देता हूँ यहाँ एन अल्काइल और नेक्स्ट स्टेप में अब मैं इसमें हाइड्रो बोले तो हाइड्रोलिसिस बोले तो यहाँ पे KOH ऐड करूंगा या तो NOH चले तो जो यूज किया वही या वाटर भी चल जाएगा मतलब एक्वस फॉर्म में है ना राइट तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये NOH ले क्या ले लेता हूँ बट NOH को मैं उल्टा लिखूंगा NaOH ये है ये NOH क्या है NaOH बट इसको मैं पलट के लिखा Na लिख के OH उल्टा कर और यहाँ पे भी मतलब होना हो गया क्या हो गया राइट यस और नो क्या हो गया होना और ये एक्वस मीडियम इस मीडियम में वाटर भी आ सकता है ध्यान देना बच्चा अब यहां से ये बॉन्ड टूटेगा ध्यान देना ये बॉन्ड यहां पे टूटा और यहां पे ये फॉर्मेशन हुआ देखो ध्यान से यहां पे यहाँ पे ये N R क्या है पॉजिटिव है आया ना R पॉजिटिव है और N क्या है नेगेटिव और इसमें N NaOH में ये H क्या होगा पॉजिटिव और यहाँ पे भी क्या होगा पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ मिला आया ना तो यहाँ पे फॉर्मेशन होगा R के साथ क्या आ जाएगा N R के साथ क्या आ जाएगा N ध्यान से देखो R, N और यहाँ पे एक H इधर मिला और ये H इधर मिला तो क्या बना बड़ी डिग्री अमीन आया ना प्राइमरी और जो बचा ये H प्लस था और ये O N A क्या है माइनस माइनस तो ये CO के बगल में लाके इसको क्या कर दो O N A आया ना और यहाँ पे भी इसको भी चिपका दो आया ना बन गया ये सॉल्ट ऑफ वॉट थैलामाइट और ये बन गया प्राइमरी अमाइड क्या ये सभी को समझ में आया अच्छी तरह से आया ना कोई डाउट है किसी को कोई डाउट है आया ना नो डाउट ना और ये तो भाई कहानी है ना ये गैब्रियल बोले तो गब्बर दिल से कनेक्ट हो चुका है ठीक है ना आया ना तो यहाँ पे क्या बन गया प्राइमरी अमाइड क्या बन गया प्राइमरी कोई डाउट किसी को तो यहाँ पे ये थोड़ा अलग कर देता हूँ ताकि मिक्सअप ना हो देख सकते हो तो इसके ऊपर क्वेश्चंस आ जाएंगे और रिएक्शन में तुम्हें बोर्ड में जो लिखना है तो खाली सीधा सीधा ये लिखना है गैब्रियल अगर आया तो तो यहां से इसको रब कर देता हूं ये तो थोड़ा एंट्रेंस का पार्ट हो गया और ये तुम्हारा बोर्ड में आएगा तो इस तरह से फुल मार्क्स क्लियर तोड़ तोड़ के वन एंड टू वन स्टेप फिर वापस से ये लिख के वापस से ये सेकंड स्टेप फिर वापस से ये थर्ड ये वाला लिखते समझ गया ना आया ना क्लियर हो गया सभी चलो नेक्स्ट बट आउट है नो सर रब कर दूं मैं हां सर तो इस NOH के जगह पे वाटर भी चलेगा HOH राइट तो फाइनली क्या आ जाएगा HH है ना यहाँ पे आएगा अमाइन और वहां पे क्या बनेगा OHOH खाली गैस समझ गया क्या बन जाएगा खाली गैस आया ना yes, तो
ये था गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। नेक्स्ट पार्ट है अमोनोलिसिस। नेक्स्ट पार्ट क्या है? अमोनोलिसिस। तुमने ऑलरेडी किया है अमोनोलिसिस, याद दिलाता हूँ। रुक जा, यहाँ पे अमोनोलिसिस ऑफ यही लिखा है ना हेडिंग हमारे बुक में, पेज नंबर देखो 283। मिला 283, अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड, यही लिखा है ना। इसको मैं चार पार्ट में डिवाइड करूंगा, एक साथ दो तीन चीजें कवर अप हो जाए। यही पेज पे है और एक अलग पेज पे। अभी एक रिएक्शन लिखूंगा तो तुम्हें तुरंत याद आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी तुमने एसडीए में पढ़ा है अमोनोलिसिस। तो देखो यहां पे ऐसा लिख देता हूं, पार्ट ए आरएक्स ट्रीटेड विथ अल्कोहलिक अमोनिया, और अमोनिया क्या है यहां पे एक्सेस, और यहां पे हम हीट करेंगे। ध्यान देना क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो यहां से एक H2, मैं ये NH2 का ऐसा डिजाइन करता हूं, NH3 है ना, NH3। तो यहां से ये X नेगेटिव H पॉजिटिव, और ये N नेगेटिव और ये R पॉजिटिव, राइट। तो HX बन के बाहर हो गया, और R के साथ क्या चिपक गया NH2, और प्लस यहां पे क्या आ गया HX, और इसको हम क्या बोलेंगे प्राइमरी आयन। दिस इज कॉल्ड अमोनोलिसिस। व्हाट इज अमोनोलिसिस? ब्रेकिंग ऑफ, ये मैं यहां पे ले लेता हूं इथाइल ब्रोमाइड या इथाइल ब्रोमाइड, ब्रेकिंग ऑफ दिस कार्बन एंड हैलाइड बॉन्ड इन द प्रेजेंस ऑफ दिस अल्कोहलिक अमोनिया। देखो व्हाट इज अमोनोलिसिस, ब्रेकिंग ऑफ दिस कार्बन एंड हैलाइड बॉन्ड विद द हेल्प ऑफ दिस व्हाट अल्कोहलिक अमोनिया, राइट, आर कॉल्ड व्हाट अमोनोलिसिस। व्हाट इज अमोनोलिसिस, अमोनोलिसिस का मतलब होता है अल्काइल हैलाइड का जो कार्बन और एक्स का बॉन्ड जो हम तोड़ रहे हैं किसके प्रेजेंस में, अल्कोहलिक अमोनिया के प्रेजेंस, राइट। और जो अमाइन फॉर्म हो रहा है ना, अब इसमें क्या बनेगा प्रोडक्ट, अमाइन बनेगा, राइट। इसी मेथड को बोलते हैं अमोनोलिसिस। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक एच कम हो जाएगा इसके साथ, है ना, यहाँ पे एक एच कम कर दो, ये एच को मिला दो यहाँ पे एच बी आर और NH2 होगा यहाँ पे चिपका दो, तो यहाँ पे बन गया CH3 CH2, क्या आ जाएगा NH2, और प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, और इसको क्या बोलते हैं, इथेन अमाइन एंड इथाइल अमाइन, आया ना। और ये क्या था, इथाइल ब्रोमाइड, कॉमन नेम, राइट, कॉमन नेम को मैं ब्रैकेट में डालता हूँ, और ये क्या हो गया, ब्रोमो इथेन, यस हो ना बच्चों, यस सर। तो ये बना, इसका मेजर प्रोडक्ट जो रहेगा ना मेजर, वो क्या होगा, प्राइमरी अमाइन, क्या होगा, ये मेजर होगा। अब ये क्यों ऐसा होगा, बिकॉज ऑफ अमोनिया इज व्हाट, एक्सेस, ये जो अल्कोहलिक अमोनिया है ना, क्या है, एक्सेस। चलो जाओ पेज नंबर 220 पे जाओ, पहले टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 220 नंबर 4 येलो येलो बॉक्स दिखेगा, देखो नंबर 4 है ना, आरएक्स प्लस अल्कोहलिक अमोनिया एक्सेस, तो क्या दिया, प्राइमरी अमाइन, ये ऑलरेडी किया था हमने, ये सेम रिएक्शन, इसको मैंने पार्ट ए बना दिया, क्या बना दिया, पार्ट ए, क्लियर है, आया ना, इसको मैंने पार्ट ए बना दिया। इसमें कोई डाउट है किसी को, नो डाउट,
अब ये रिएक्शन भी किसको फेवर करेगा? SN2। और SN2 में क्या चलेगा? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, क्या RX आया ना। सेकेंड पॉइंट, RI ग्रेटर देन RBR ग्रेटर देन RCl ग्रेटर देन RF, राइट। चलो तीसरा पॉइंट, ये रिएक्शन कॉपर सील्ड ट्यूब और टेम्परेचर 373 केल्विन। कॉपर सील्ड ट्यूब यूज करूंगा और 373 केल्विन टेम्परेचर यूज करूंगा इस रिएक्शन के। एंड फोर्थ पॉइंट में यहां पे मैं यूज करूंगा ब्रेकिंग ऑफ कार्बन एक्स बॉन्ड इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक अमोनिया आर कॉल्ड क्या कहलाएगा? अमोनो एसिड्स, राइट। फिफ्थ पॉइंट, यहां पे इफ अमोनिया इज एक्सेस अल्कोहलिक अमोनिया तो मेजर प्रोडक्ट क्या आएगा? प्राइमरी अमाइन। सेकेंड पॉइंट, अगर अमोनिया इज नॉट एक्सेस अल्कोहलिक अमोनिया नॉट इन एक्सेस तो एक्सेस क्या हो जाएगा? आर एक्स। एक्सेस क्या हो जाएगा? आर एक्स। इसमें 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और क्या बनेगा? 4 डिग्री क्वार्टरनरी अमाइन। क्या बनेगा? क्वार्टरनरी। और ये मेजर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? और ये क्रिस्टलाइन सॉलिड रहेगा। मैं लिख के देता हूं, पहले ये पॉइंट नोट कर लो। अब यहां पे मैं चेंजेस करूंगा पार्ट बी और ये रब कर रहा हूं और इसका रिएक्शन यहां पे दिखा रहा हूं। ध्यान देना, और ये जो 4 डिग्री बना है, ठीक है, इसमें एक डिसएडवांटेज भी है, इट इज डिफिकल्ट टू सेपरेट क्योंकि सब डिग्री मिल रहा है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री और ये क्या होगा? क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या होगा? क्रिस्टलाइन सॉलिड। और ये मेजर होगा, क्या होगा? ठीक है। चलो और भी पॉइंट आगे ऐड करूंगा, फिलहाल के लिए SN2 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, RI is greater than RBR, RCl alkali halide में copper sealed tube use करेंगे हम, 373 temperature, breaking of carbon X bond in the presence of alcoholic ammonia are called what? Ammonolysis। And alcoholic ammonia अगर excess है तो major product क्या बनेगा? Primary, 1 degree। और अगर alcoholic ammonia not in excess तो excess क्या हो जाएगा? Alkali halide। और उसको बोलेंगे उसमें 1, 2, 3 and 4 degree मिलेगा। चलो reaction देखो यहाँ पे, ध्यान से पार्ट बी है। CH3 CS2 BR treated with NH2 alcoholic और इस बार ये एक्सेस नहीं है और यहां पे मैं हीट ले रहा हूं, ये एक्सेस नहीं, तो एक्सेस क्या हो जाएगा? इथाइल ब्रोमाइड। आया ना। अब इसमें प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा वो क्या बनेगा? CH3 CS2 BR प्लस क्या आएगा? HBr।
और यहाँ पे इथाइल ब्रोमाइड की जगह पे यार इथाइल हमारी बनेगा, क्या बनेगा? इथाइल। ये बी आर गया एच के साथ और ये एन एस टू आपके इधर से बन जाएगा, तो किसका फॉर्मेशन हुआ? प्राइमरी अमाइन। इसको हम क्या बोलेंगे? इथाइल अमाइन। एंड दिस इज कॉल्ड वन डिग्री। क्या है? वन डिग्री। हाँ या ना? यस सर। नेक्स्ट, अब कहानी रुकने वाली नहीं है, कहानी आगे भाग के बढ़ते रहे। अब वापस से यहाँ पे इथाइल ब्रोमाइड आएगा, क्योंकि इथाइल ब्रोमाइड क्या है? एक्सेस है। इथाइल ब्रोमाइड क्या है यहाँ पे? एक्सेस। और वापस से हीट, ठीक है? तो देखो ना, यहाँ का ये बीआर और यहाँ का एच निकला, प्लस माइनस वही करके, तो ये बीआर एच हटा दिया, एनएस टू इधर जोड़ दिया। फिर वापस से इस पिक्चर में देखो ध्यान से, इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ, समझ रहे हो? और इधर का एच निकला, ये एच निकला किसके साथ? इस बी आर के साथ। और वापस से इस एन के बगल में ये इथाइल चिपक जाए, सी एस थ्री सी एस टू एन एच, और यहाँ पे ये सी एस टू अगेन सी एस थ्री, और प्लस यहाँ पे क्या है, और ये क्या बन गया? डाई इथाइल। एंड दिस इज कॉल्ड 2D। क्यों? नाइट्रोजन के साथ कितने कार्बन जुड़े थे? दो। हाँ यार, समझ रहे हो? फिर वापस से कहानी रुकने वाली नहीं है, कहानी चलते जा रही है। कहानी यहाँ पे वापस से इथाइल ब्रोमाइड, और हीट वापस से वही, फिर ये BR और ये H निकल गया। आया ना? और ये निकलते ही इथाइल, और यहां पे भी इथाइल, और यहाँ पे भी इथाइल, और इस बार इथाइल कितना है? ट्राई इथाइल अमाइन। और इसकी डिग्री क्या हो गई? क्योंकि एन से कितने कार्बन जुड़ेगा? डायरेक्ट, राइट। और इस एन के पास एक क्या होगा? कहानी स्टॉप नहीं हुआ, वापस से वापस एक इथाइल ब्रोमाइड। अब यहां पे ये बीआर का बॉन्ड टूटेगा, ये माइनस बनेगा, और ये कार्बन क्या बनेगा? प्लस। और ये कार्बन आके यहां पे क्या, ये नाइट्रोजन इसको क्या करेगा? सपोर्ट कर देगा, अपना लोन पेयर दे देगा। और देखो पिक्चर में ऐसा हो जाएगा, ये नाइट्रोजन के साथ, ये नाइट्रोजन के साथ इथाइल कितने अटैच हो? CS2 CS2 CS2। आया ना? और यहाँ पे भी बगल में CS2 CS CS2 CS। और यहाँ पे ऐसा ब्रैकेट लगा दो, राइट। और बगल में ये BR जो माइनस है, तो ये BR माइनस को भी लाके यहाँ पे चिपका, और BR क्या बन गया? माइनस। और N क्या बन गया? प्लस। देखो ये टेट्रा, एक दो तीन चार, तो इसको मैं लिखूंगा टेट्रा इथाइल अमोनियम, नियम मतलब प्लस, अमोनियम है ना नाइट्रोजन, और यहाँ पे लिख दूंगा ब्रोमाइड। तो मतलब ये टेट्रा का फॉर्मेशन हो गया, इसको बोलते हैं क्वार्टर क्वार्टरनरी। दिस इज कॉल्ड व्हाट? 4 डिग्री। और ये क्रिस्टलाइन सॉलिड बन जाएगा, क्या बन जाएगा? क्रिस्टलाइन सॉलिड। और मेजर कौन हो जाएगा? यही मेजर होता है,
क्या मेरी बात सभी को समझ में आई? आया ना? इथाइल ब्रोमाइड से रिएक्शन चालू हुआ, अमोनिया डाला, उसमें से एचबीआर निकला, NH2 प्राइमरी अमाइन बना, प्राइमरी अमाइन में वापस से इथाइल ब्रोमाइड ऐड होगा, फिर डाई इथाइल अमाइन बनेगा और बाय प्रोडक्ट एचबीआर, और यहां पे भी वापस से इथाइल ब्रोमाइड डालेंगे तो ट्राई इथाइल अमाइन बना और बाय प्रोडक्ट इसका भी क्या रहेगा? एचबीआर। और फिर नेक्स्ट स्टेप में ट्राई इथाइल है ना अमाइन में वापस से इथाइल ब्रोमाइड जाएगा, बट इस बार एच है नहीं तो वो लोन पेयर क्या करेगा, इस कार्बन प्लस को हेल्प कर देगा, अपना लोन पेयर देके इसको यहाँ पे नाइट्रोजन चार बॉन्ड बना लेगा, और नाइट्रोजन पे जब चार बॉन्ड आता है तो एंड पे क्या आ जाता है? प्लस। और बीआर जो है वो बीआर जाके यहाँ पे अटैक कर देगा, एंड दिस इज कॉल्ड क्वार्टरनरी ज़ोन। तो अब देखो ये चारों कंपाउंड बन रहे हैं, ये इसका एक डिसएडवांटेज भी है कि इसको सेपरेट करना भी इट इज व्हाट बोले तो डिफिकल्ट, राइट? और अगर रिक्वायरमेंट इसकी है तो फिर बेटर है, बट रिक्वायरमेंट अगर प्राइमरी अमाइन की है तो बाकी तो क्या हो जाएगा, वेस्टेज हो जाएगा, आया ना? तो इसलिए हम अर्मोनिया क्या कर देंगे, एक्सेस, और रिएक्शन वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। yes. और ये देखो ये सब चीजें यहाँ पे ये पॉइंट मैंने ऐड किया है, क्या कोई डाउट है किसी? नो डाउट। यहाँ पे मैं आरएफ को थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि मिक्सअप ना हो ये पॉइंट को, राइट? और कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट है किसी को? ये पार्ट बी हो गया, पार्ट सी भी बाकी है। तो पार्ट देखो 220 में तुम्हारे को पार्ट ए दिखाया, अब 283 पे आ जाओ, पार्ट बी दिखेगा टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 283 पे आओ। देखो वहां पे राइट हैंड साइड पे टॉप में दिखेगा अमोनोलिसिस, आया ना 23 पे, राइट? एक बार देख लो उसे फटाफट। और उसके बाद अगेन पेज नंबर 291 मिला तुम्हारे को हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन, आया ना हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन, सब कुछ सेम टू सेम है। वहां पे एक बार रिएक्शन देख लो नीचे बॉटम में, बस खाली ये इथाइल के जगह पे मिथाइल है और ब्रोमाइड के जगह पे क्या है? आयोडाइड, मिथाइल आयोडाइड। तो यहाँ पे क्या बनेगा, मिथाइल आयोडाइड को अमाइन अमोनिया के साथ रिएक्ट कराओगे, तो यहाँ पे मिथाइल अमाइन, फिर वापस से मिथाइल आयोडाइड डालो डाई मिथाइल अमाइन, यहाँ पे बनेगा ट्राई मिथाइल अमाइन, और यहाँ पे बनेगा टेट्रा मिथाइल अमोनियम आयोडाइड क्वार्टरनरी सॉल्ट, राइट? इसमें एक एसिड भी बन रहा है एचबीआर, एचबीआर क्या बन रहा है? एचबीआर एसिड जो देख रहे हो ना एचबीआर, तो उसको न्यूट्रलाइज भी कर सकता है क्या ऐड करके, बेस Na2CO3 NaCO3 है ना, ये बेस ऐड करके भी उसको हम क्या कर सकते हैं, न्यूट्रलाइज, राइट? ताकि रिएक्शन क्या हो जाए, फॉरवर्ड में ही रहे, आया ना? समझ रहे हो ना? तो ये देखो हॉफमैन एग्जॉस्टिव लिखा होगा, क्या लिखा होगा? हॉफमैन एग्जॉस्टिव, तो उसको मैं पार्ट सी दे देता हूं और नाम लिखा होगा हॉफमैन एग्जॉस्टिव, मिला सभी को, आया ना? और ये हमारा क्या हो गया, पार्ट सी, और इसमें हमने क्या मोस्टली यूज किया, अल्कालाइड मिथाइल आयोडाइड प्लस अमोनिया। प्लीज एक बार देख लेना, पेज रीड कर लेना जल्दी से। तो ये हॉफमैन तुम्हारा क्या हो गया, पार्ट सी हो गया, हॉफमैन एग्जॉस्टिव। चलो लास्ट पार्ट है डी ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं? बट डी है ना एंट्रेंस में यूज आएगा, बोर्ड में नहीं आएगा, बोर्ड में तो बस खाली इतना काफी, समझ रहे हो? Thank you.
रख कर दूं मैं? हाँ सर। क्या ये रिएक्शन 3 डिग्री को फेवर करेगा? करेगा भाई, मैंने लिख के दिया वहां पे SN2। क्या ये फेवर करेगा 3 डिग्री को? नहीं करेगा। चलो इसका लास्ट पार्ट बता रहा हूं, पार्ट डी। और ये क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा सकते हो इसका प्रोडक्ट क्या बने। वहां पे टोटल कितने पॉइंट हुए थे? 5 ना, 6 पॉइंट। इफ अल्काइल हैलाइड इज 3 डिग्री तो रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन को फेवर नहीं करेगा, किसको फेवर कर जाएगा? एलिमिनेशन हो जाएगा। और कैसे होगा देखो, यहां पे ध्यान से देखो, यहां पे ये अल्फा कार्बन Br के रिस्पेक्ट में और ये कार्बन बीटा, ये भी बीटा है, यहां से भी H निकाल सकता हूं और यहां पे भी H। पर ये कार्बन क्या है, ये हैलाइड क्या है? 3 डिग्री है। 3 डिग्री होने की वजह से ये SN2 को फेवर करेगा ही नहीं, तो फिर सब्स्टिट्यूशन होगा नहीं, अमोनिया डाले तो ये किसको फेवर कर जाएगा? एलिमिनेशन। और यहां से ये Br क्या हो जाएगा? बॉन्ड तोड़ के निकल जाएगा, ये बन जाएगा माइनस, और ये जो कार्बन है ये बन जाएगा प्लस। और ये बगल में जो CH3 है, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे क्या है H, और ये H निकलेगा क्या बन के? प्लस। और ये इसका दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ जाएगा और ये बन जाएगा माइनस। और ये गया किधर? ये NH3 है ना, तो N के पास लोन पेयर है, ये इसको प्रोटोनेट कर लेगा, NH3 से NH4 बन जाए और साथ में Br चिपक जाए, और N पे प्लस और Br माइनस, और यहां पे आ गया CH3, ऊपर आ गया CH3, और नीचे यहां पे इनके बीच में ध्यान से देखो, ये प्लस और ये माइनस मिलके क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? एक बॉन्ड डबल, और इसको बोलते हैं आइसो ब्यूटिल। क्या बोलते हैं? आइसो ब्यूटिल। टू मिथाइल क्या बोलेंगे? प्रोपीन। क्या बोलेंगे? टू मिथाइल प्रोपीन। क्या ये सभी को समझ में? जहां पे अल्काइल हैलाइड अगर 3 डिग्री रहा तो रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन की तरफ ना जाके कहां पे जाएगा? एलिमिनेशन। और इस तरह से एल्केन का फॉर्मेशन। समझ गए? देखा तीनों पे इसका वर्क कर लिया मैंने। यस ऑन प्लीज जल्दी से।